अभी कर दिया ना दोबारा। बढ़िया जी, पानी की, पानी की मेरी मार घबरा दी पानी की स्टोरी। तो मेरे को दम मिर्ची वाला पानी दिखाओ क्या है बेटा। मैंने तेरे साथ क्या किया कुछ याद है? जी यहाँ कौन लाया है? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ कौन लाया है? अच्छा एक बात बता बेटा, ये कौन और वो कौन है? अब भी तो यकीन नहीं है यहाँ कौन लाया। कब की बात है बेटा, कब से ये लोग दी लाए तेरे को? और ये बता दे कि ये क्या चीज़ है? तूने पिए आंखें कर रहा? मिर्ची थोड़ी है, लाल कलर है। आप बताओ क्या है ये? मैंने आपको पूरा गिलास पिलाया है ये वाला, हाँ या ना? आपके पाँव के ऊपर मैं खड़ा था, हाँ या ना? आपके मैंने थप्पड़ दो चार मारे, हाँ या ना? और ये पी के दिखाओ कि बाकी ये मिर्ची ये नहीं है। कोई मरेगा नहीं, तो मरेगी नहीं, टेंशन नहीं ले किरण, पी ले। अरे किरण खा ले यार, मैं तेरे साथ हूँ ना बेटा। मुँह खोल, मुँह खोल। अब इस तरफ वीडियो रख, इस तरह इसके मुँह की तरफ मुँह आँखें तरफ। क्या चीज़ है ये? कितनी है भाई? अगर इतनी में बंदे की चीख निकल जाए तो फिर गिलास का आलम। आँखें खोल, आँखें खोल मेरी माँ, परेशान नहीं हो। पी ले पी ले पी ले। हाँ जल्दी जल्दी बता ना क्या हो रहा है। ये तो बता, ये हो रहा है। सादा पानी भी दो उसको, सादा पानी दो, पानी दो। बोतल में, बोतल में मिर्ची। इसको जाने अजाब नहीं, इसमें ये रहे, ये रहा वो यार पानी, ये नहीं इसमें पिलाओ। लड़की इतनी सी वीडियो तेरे को अजाब बन गई है, इतनी सी मिर्ची। हाँ ये पूरा 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 प्याला कैसे पी ले? पी ले यार पानी तो पी ले माँ। चल पूरा प्याला कैसे पी ले ये बता दे बस। और 14 साल पहले तेरे को पाक के पास क्या हुआ था? तू शादी में कहीं गई थी, तेरे को बुखार आया था बहुत सख्त। क्या स्टोरी है तेरी जल्दी बता। आंसू निकल आए इतनी मिर्ची ज़्यादा की, इतनी मिर्ची में आंसू निकल आए भाई। दम वाला पानी, इतनी मिर्ची में आंसू निकल आए। अब कौन पी गया पानी थी? तू अपनी स्टोरी ज़रा सुना कि तुझे क्या हुआ था 14 साल पहले मार्च की तरफ? क्या हुआ था तुझे? बुखार कब आया था बहुत सा? पी बुखार तो आता है कभी। अरे यार छोड़ ना, फर्स्ट टाइम कब आया था? बहुत तेज़ बुखार, टाइफाइड टाइप का, तो जान नहीं छुटी हो। बता, ऐसा लगा कि अब मर जाएगी तू। इधर आ इधर आ। तेरे को मरने वाला मामला कब तक हुआ है? कब वो याद है कुछ? आँखें इधर। तुझे ऐसा लगता है कि कोई कभी तू जान से मर जाएगी? बहुत ज़्यादा होती है। कब होती थी बेटा? कभी कभी अचानक बैठे बैठे भी जाती थी। ठीक है, पहली दफ़ा तुझे याद पड़ता है? पहली शादी जब तेरी हुई थी उससे पहले तुझे क्या हुआ था? आंखें इधर रखना। क्या हुआ था मेरी बेटी? बीमारी रहती थी। ठीक है, पहली शादी के टाइम पे भी? शादी के बाद बीमार रहना शुरू या शादी के पहले से? पहले भी होती थी। तो कितना टाइम पहले से? तकरीबन 4-5 साल पहले। अच्छा 4-5 साल पहले तेरे को शादी में कभी गई थी, उसमें तबीयत खराब हुई थी? सिर्फ आँखें इधर। क्या हुआ? एक दफ़ा शादी में जा रही थी ना, हाँ आके इधर, तो बीच में कुत्ता लेटा हुआ था। हाँ फिर मेरा उसमें पाँव लग गया था। कुत्ता लेटा हुआ था तो ऐसे लेटा हुआ था? आँखें नहीं हटाना, सो रहा था। आँखें नहीं हटाना, मैं इलाज कर रहा हूँ, आँखें नहीं हटाना, सो रहा था। आँखें इधर रख बस, गुस्से से देख दुश्मन की तरह। भाई अगरबत्तियाँ दो जल्दी, दूसरा आ रहा है। अगरबत्तियाँ दो जी। मैं नींदर में बंद करो बाकी ना। हाँ क्या हुआ था फिर? पाँव लग गया था कुत्ते को। फिर जब से मुझे आंखें इधर डर लगता था मुझे। हाँ और औरत वाली कहानी बता, औरत कौन नजर आती थी तुझे? कफन वाली मरी हुई जो औरत, मरने वाली कभी नजर आई तेरे को? एक औरत नजर आती थी मरने वाली, मरी हुई, पता नहीं कैसी थी बस। ठीक है, कब से आती थी नजर? यही पूछना है उसको भी। टाइम हो गया ये तो पूछ रहा हूँ, कब का टाइम हो गया? आँखें सिर्फ इधर, मैं इधर, बस आँखें इधर रखिए। कभी पार्क के बाद तेरी तबीयत खराब हुई है? नहीं। आँखें इधर, आँखें इधर रख, सर नहीं हिलाना बस, आँखें इधर रख। हज़रत यूसुफ़ मोहम्मद यूसुफ़ जरा चेक करो कौन है इसके अंदर और मजीद। अच्छा तेरे को लग कैसे रहा है अभी? कुछ जिसम हल्का लग रहा है? नहीं तेरी जिस्मानी तकलीफ होती थी तो मेरे पास आई क्यों? ये तो बता, पंखा खोलो ना यार, पंखा क्यों बंद किया हुआ है? आपने बोला तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी बेटा, ये तो पूछ लो क्या हो रही थी? जिसम में कपकपाहट हो रही थी, हाथों में कब से? कब से वो तो काफ़ी टाइम से रही थी तबीयत खराब, लेकिन जो है ना अभी शादी के बाद, दूसरी शादी के बाद क्या हुआ? दूसरी शादी के बाद से ज़्यादा हो गया। तो
दूसरी शादी और पहली शादी में कितना वक्त रहा? पहली शादी तुम्हारी कितने साल? सात साल। तो दूसरी शादी तो अभी हुई है, दो महीने पहले कर, तुम्हारी तीन शादियाँ होंगी। सर नहीं लाना नहीं बता तुम्हारे साथ, पहली शादी में सात साल पहले सर नहीं ला। गुस्से से देखना है दुश्मन की तरह, दुश्मन की तरह जवाब देना है। आँखें इधर करो, तुमको पता है तुम्हारे साथ मैंने अभी मरी हुई औरत निकाली है, आँखें इधर करो। अच्छा तुम्हारे को जो तकलीफ होती थी अभी क्यों नहीं होगी? क्यों? अच्छा तुम यहाँ पर आई तो तुम्हें कब पता चला कि यहाँ आई हो? तुम आखिरी तुमको याददाश्त तुम कहाँ थी घर पर? कितने बजे? अंदाजा रोजा खुल गया था। टाइम टाइम दिखाना, रात में एक बजे रहा इफ्तार के बाद। क्या हुआ था बेटा? ससुराल में थी कि मेके में थी? मेके में थी, ससुराल में थी। फिर क्या हुआ था? आँखें इधर, आँखें इधर। आज कितने बजे? फिर यहाँ कैसे आई है तो पूछ रहा हूँ। ये लोग तुझे लेकर आए थे उसमें अपना, सुन ना मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग तुझे लेकर आए थे, वो नहीं है अपना वो बस टाइप की गाड़ी होती है मज़दा W11 टाइप की, आँखें इधर। W11 की गाड़ी में तुझे लिटा के लाए थे क्यों एम्बुलेंस के अंदर? वजह अमान, अमान की एम्बुलेंस नहीं होती अमन वालों की, बड़ी सी एम्बुलेंस पीली वाली, पीली वाली, उसमें तेरे को क्यों लिटा गया? उसी में तो लाए थे। वो अभी मना कर दी कि मैंने मिर्ची नहीं पी, ये तूने पूरा गिलास किया है। तेरे पाँव में मैं खड़ा था, तेरे को थप्पड़े मारे? आपको सबको कसम है कि इसको मैंने थप्पड़ मारे नहीं मारे, जोर से बोलो। इसके पाँव पे कितनी देर खड़ा रहा, इसकी ताकतें बर्दाश्त कर लेगी? दादा तेरे पाँव पे कोई खड़ा हो जाए इस टखनों पे मेरे जैसा इंसान, तो तेरे को तकलीफ नहीं होगी? है चल चल के दिखा, फोन करो तकलीफ हो रही, जल्दी जल्दी भाग के दिखा भाई। अभी इसके पाँव पे खड़ा था, ये भाग रही है, भाग के दिखा जल्दी। हाँ अच्छा, पहले से इस तरह भाग सकती थी? अभी तो जब आई थी मेरे पास इससे पहले, या अभी भागना हो रहा है? नहीं अभी पाँव में हल्के हल्के हो रहे हैं, जब मैं आई थी ना हाँ तो भारी भारी हो रहे हैं। मतलब तू कुछ मैसेज देना चाहती है कि तेरी तबीयत अच्छी हो गई या नहीं हुई है मेरे आने के बाद? तबीयत यहाँ आने के बाद काफ़ी हल्की हो गई, मेरी बहुत हल्की हो गई। तो ये पब्लिक को मैसेज दे, तेरे साथ मसला कितने सालों से था बेटा, पता है? मैंने मरी भी निकाली तेरे अंदर से, ये वीडियो देख लेना, उसको मैंने प्याला भी पिलाया, मारा भी है, लेकिन तू नहीं थी बेटा। तुझे पता है मैंने सरकार गोस्पा का मुरीद कराया था? तुझे पता है हजरत मौलाना इलियास कादरी दबाया था? जो पूछ रहा उसका जवाब नहीं पता, मना कर दे। तू कुछ मैसेज देगी कि तेरी कितनी हालत ख़राब थी, दो शादियां होगी तेरी, बेड़ा गरकता नहीं था? तो मैसेज दे दे लोगों को, इधर मैसेज दे दे। अगर तेरा चेहरा जाता है तो इसमें मर थोड़ी जाएगा, किसी और बहन बेटी का भला नहीं चाहती तो हो जाए? काफ़ी टाइम से बीमार थी, शादी से पहले से बीमार थी। पहली शादी हुई जब भी बीमार थी, फिर अब दूसरी शादी हुई जब काफ़ी और ज़्यादा बीमार हो गई। अपनी बीमारी के लिए कभी किसी पीर फकीर के पास जाना पड़ा तुम्हें? अभी इलाज कराया, इलाज करवाया मैंने। हाँ तो इलाज हो गया? दो महीने से इलाज हो रहा था, हुआ इलाज, कोई फर्क नहीं हुआ था। कहाँ इलाज कराया था? वो मेरे शोहर ने करवाया था, पीआई से। पता नहीं कि तू बता देना भाई, शोहर बैठा हुआ था, कहाँ से कराया? शायद। अच्छा फिर उससे फायदा नहीं हुआ? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा इससे पहले तुम्हारे वालिद साहब ने कभी दिखाया तुमको किसी पीर फकीर को? नहीं। तो तुम इसी तरह मतलब मरती रही और ड्रिप लगवाती रही, हॉस्पिटल जाती रही, बस तुम्हें लगता नहीं था कि कोई ऊपरी मसला हो सकता है, कोई जिन्नात विन्नात का मसलू का? नहीं कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। तबीयत खराब होती थी दवा से तबीयत थोड़ी तुम्हारी सही हो जाती थी? तुम्हारे घर में मंजिल कौन पढ़ता? नहीं पढ़ती। जो पढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा, अब नहीं पढ़ना। पढ़ती हो? पहले पढ़ती। जो पढ़ेगा बर्बाद हो जाएगा, आप बोलोगे मंदिर पढ़ने से कौन बर्बाद होता है? क्यों? इसमें उल्टा कुरान कर दी बाकी पीछे, उल्टा कुरान पढ़ना जायज़ है तो मंजिल पढ़ना भी जायज़ है, ठीक है? और मंजिल कौन पढ़ता तुम्हारे घर में, तुम्हारी माँ के घर में? अच्छा तुम कितने भाई बहनों? छः। अच्छा तुम्हारे और भाई बहनों में कोई तकलीफ है या अकेले तुम तकलीफ में? तुम्हारे भाई की शादी क्यों नहीं होती बैठा हुआ? उसकी शादी नहीं होती मतलब रुकावट, रुकावट परेशानी। तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं थी? पहली शादी फौरन हो गई थी, रुकावट नहीं थी? नहीं मेरी भी हो गई, मेरी बहन की भी हो गई, भाइयों के साथ जरा मसला है।
बहन के साथ क्या मसला? बहन की बिल्कुल तलाक हुई है? बहन की भी शादी हो गई, भाइयों की नहीं होती। चार भाई हो गए, एक तो छोटा ही है, बड़े वाली की हुई है खाली, तीनों की नहीं होती ना। अब तीनों की शादियाँ भी हो जाएंगी, सब काम हो जाएंगे, इंशाल्लाह तुम्हारे को लाना पड़ेगा सर। ठीक है भाई, आप कुछ कहना चाहते हो भाई कि आपकी बीवी अब तबीयत सही है नहीं है, कुछ जोर से बोल दो, ऊँचा कर दो, ऊँचा अपना नाम भी बता दो, कहाँ से आए हो? पाँचवें रमज़ान को पति चैनल देख रहा था, सुबह अल्लाह, तो पापा दोबारा स्टार्ट कर रहे थे सर, सुबह अल्लाह। तो सर मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था, क्योंकि मेरी पहली बीवी का भी इंतकाल इसी चक्कर में हुआ था ना, तो मैं नाउमीद था। और अल्लाह ताला पहली बीवी का इंतकाल इस चक्कर में हुआ, दूसरी बीवी ने खुला ले ली, पूरी बात बताओ। पहली बीवी का इसी चक्कर में इंतकाल हुआ, दूसरी बीवी ने खुला ली, अब तीसरी बीवी के साथ ये मामला थे। मैं अपनी ज़िंदगी से नाउमीद हो गया था, अपने पीरो मुर्शिद से मदद मांगी मैंने, क्या मुर्शिद इस वक्त आप ही मेरी मदद कर सकते? क्या बात है, सुभान अल्लाह, मतलब मेरे को दुनिया से आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पीरो मुर्शिद ने स्पेशली मैं अल्लाह को सुभान अल्लाह दुआ करवाई है कि या अल्लाह जिनके ऊपर सिपली जादू के मामला थे जिन्नात के, उनको दूर कर, बस उस वक्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हुआ था, सुभान अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद की नज़रें करें। अच्छा, और पीरो मुर्शिद का अभी जलवा क्या देखा आपने, कलमा पढ़ के जो बताया बाबा? कलमा पढ़ के मैंने कलमा पढ़ के गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ मैं, और मुसलमान होने के नाते मैं ये गवाही दे रहा हूँ कलमे की, बल्कि मेरी तरफ भी कर रहा हूँ कि बाबा की आंखों के अंदर मैंने पीरो मुर्शिद की झलक देखी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे पीरो मुर्शिद ने बाबा से मिलवाना था, वरना 9 बजे तक मेरा आने का प्रोग्राम नहीं था, मेरा फ़ोन भी आया, सुभान अल्लाह, मेरा दिल ये कहता पर नहीं जाने आप, सुभान अल्लाह। बस अचानक किस तरह ये अजवाब बने, किस तरह पूछा मुझे सुभान अल्लाह का बड़ा करम है। पता है तुम्हारे लिए मैंने बच्चों को मोबाइल दे दिया था कि इसको कॉन्टेक्ट करो, बुलवाओ इसको किसी भी हालत से, बुलवाओ, बच्चों का आसान से बार बार फोन आ रहा था, मैं बोला बुलवाओ बस किसी भी हालत, इसको बोलो आ जा बस अपनी बीवी को लेकर, बस अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा, सुभान अल्लाह, मैं नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद मांगता रहूं, नाउम्मीद भी ना चल रही है, अल्लाह हू अकबर, सुभान अल्लाह। चलो बाबा, अल्लाह पाक आसानी फरमाए सबके लिए, अस्सलाम वालेकुम।